हेलो दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको प्रोटीन और फाइबर से भरपूर दो तरह का हेल्दी नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और खाने के लिए टेस्टी भी लगेगा। तो फिर चले बनाना शुरू करें। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले मिक्सी के जार में आधा कप ओट्स को डाल के पीस कर पाउडर बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह के पाउडर बना लीजिए और बाद में उसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करिए। अभी इसमें डालना है आधा कप बेसन। बेसन डालने के बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब स्वादानुसार नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस बैटर को ना बहुत ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, बल्कि चीले के बैटर जैसा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे बैटर बनाने के बाद इसमें डालना है बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्ची और बारीक कटा हुआ थोड़ा प्याज। इसके बाद डालते हैं बारीक कटा हुआ एक छोटा टमाटर, अभी कद्दूकस किया हुआ थोड़ा बीटरूट डाल के बारीक कटी हुई दो हरी मिर्ची डालेंगे और बाद में थोड़ा हरा धनिया डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला होता है तो थोड़ा सा बेसन डालिए, हाँ गाढ़ा होता है तो पानी डाल के इस तरह का बैटर बना लीजिए। तो अभी इसे साइड में करके यह मैंने प्रोटीन युक्त डोसे के लिए 1 कप साबुत मूंग को 6 घंटे भिगो कर लिया है। चाहे तो आप ओवरनाइट भिगो कर उसे मिक्सी के जार में डाल के पीस कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों, मैंने मूंग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो मैं इसे 2 बैच में पीस लेने वाला हूँ। तो मूंग को पीसते समय ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के पीस लेना है। ये देखिए, इस तरह से स्मूथ पीस लीजिए और बाद में एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा मूंग का बैटर एकदम स्मूथ बना है और मैंने मूंग को 2 बैच में पीस कर मिक्सिंग बाउल में निकाला है। तो अभी इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद पहले हमें इसे मिलाना है। ऐसे मिलाने के बाद हमें इसमें डालना है थोड़े से ड्राई मसाले, जिसमें है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब डालना है आधा चम्मच भुने हुए जीरे की पाउडर। यह है 2 बड़े चम्मच सूखे नारियल के खीस। अभी इसे अच्छे से मिलाते हैं ताकि इसमें डाले हुए जो मसाले और सूखे नारियल का खीस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे ये डोसे का बैटर तैयार है। तो इसे बनाने के लिए हमें नॉनस्टिक का तवा लेकर तवे को थोड़ा सा तेल डाल के तेल को किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए और बाद में बनाए हुए बैटर में से 1 बड़ा चम्मच बैटर तवे पे डाल के फैला लीजिए। दोस्तों, इसे बनाते समय तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो मूंग का डोसा ज़्यादा पतला नहीं बनता तो आप पतला बनाने की कोशिश मत करिए। इस तरह थोड़ा जाड़ा बना के किनारों से थोड़ा तेल या घी छोड़िए और बाद में 1 मिनट डोसे को सेक लीजिए। 1 मिनट के बाद, यानी कि जब ये ऊपर से सूख जाए, तब दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड से भी 30 से 40 सेकंड तक सेक लेना है। ऐसे प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लीजिए। अब दूसरे साइड पलट के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक चुका है। तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज़ और बारीक कटा हुआ थोड़ा प्याज डाल के थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करके हरा धनिया डालिए और बाद में रोल बना के आप आपकी मनपसंद चटनी के साथ परोसिए। नहीं तो बिना किसी चटनी के भी आप इसे खाएंगे तो ये टेस्टी ही लगेगा और आपके सेहत के लिए हेल्दी भी रहेगा। तो इसे निकाल के इसी तवे पर जो हमने ओट्स और बेसन का बैटर बनाया है उसका नाश्ता बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने तवे को थोड़ा सा तेल लगा के 1-1 चम्मच बैटर डाल के इस नाश्ते को पैनकेक के जैसा शेप देने वाला हूँ।
आप चाहे तो इसे एक पार्ट में बड़े साइज का चीले के जैसा भी बना सकते हो। अब इसे 1 मिनट तक सेक लेते हैं। 1 मिनट के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद दोनों को दूसरे साइड पलट के सेक लेते हैं, यानी कि एक दो बार अलट पलट के ऐसे प्रेस करते हुए सेक लेना है। ये देखिए, हमारा ये हेल्दी नाश्ता तैयार है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।